वैसे तो हम सब जानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए कितना खर्चा होता है, जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी पहले ही प्लानिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और भी कई चीज़ें। लेकिन इस सब के बावजूद भी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है, और कई देशों में तो स्टूडेंट्स अपने हाई स्कूल की एजुकेशन के लिए भी लोन का सहारा लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल अमेरिका में ही स्टूडेंट लोन $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है, यानी कि अकेले अमेरिका के स्टूडेंट $1 ट्रिलियन के कर्जे में हैं। और अगर आप पूरे दुनिया के स्टूडेंट लोन के बारे में सोचो तो पता नहीं हमको इसके पीछे कितने जीरोज ऐड करने पड़ेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग स्कूल्स में स्टूडेंट की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनके स्टूडेंट काउंट को जानकर आप शॉक रह जाएंगे। क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे छोटा स्कूल ट्यूरिन इटली में है, जिसमें केवल एक स्टूडेंट और एक ही टीचर है, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल अपने देश इंडिया में है। जी हाँ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो कि लखनऊ में स्थित है, और इस स्कूल में लगभग 32,000 स्टूडेंट्स हैं। ये कहना गलत होगा कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते यानी कि अनपढ़ हैं, वो क्रिमिनल बिहेवियर के होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लो लिटरेसी और क्राइम का आपस में रिलेशन है, और ये प्रूव भी हो चुका है कि 70% क्रिमिनल्स पढ़ और लिख नहीं सकते। अगर हम कनाडा के जेल के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जेल में जाने वाले कैदियों के बीच 100 में से 79 लोग ऐसे हैं जिनके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा नहीं है, और 100 में से 65 लोग ऐसे हैं जो 8th ग्रेड से कम पढ़े लिखे हुए हैं। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर देशों में स्कूल टर्म के स्टार्टिंग में ही किड्स का एडमिशन कराया जाता है, लेकिन हॉलैंड में बच्चों को स्कूल भेजने का कुछ अलग ही तरीका है। हॉलैंड में जिस दिन बच्चा 4 साल की एज कंप्लीट कर लेता है, वही दिन उस बच्चे का स्कूल का पहला दिन होता है। जी हाँ, उसी दिन आपको बच्चे को स्कूल भेजना होता है। इसका मतलब है कि पूरे साल में आपको नए नए बच्चे क्लास में आते मिलेंगे, और जबकि फिनलैंड में बच्चों को स्कूल भेजने की मिनिमम एज 7 साल है। जापानीज किड्स दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट किड्स माने जाते हैं, क्योंकि जापान के किड्स अकेले स्कूल जाते हैं, अपने क्लासरूम की खुद साफ सफाई करते हैं, और सारे स्टूडेंट्स अपने साथ लंच बॉक्स भी ले जाते हैं। जापान के स्कूल्स में कैंटीन नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि जापान में लोग अपने घर के बने हुए खाने में ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय बाहर से खरीदे हुए खाने के। ईरान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ सिंगल सेक्स स्कूल हैं, यानी कि ईरान के स्कूल्स में लड़के और लड़की अलग अलग पढ़ाई करते हैं। कुछ स्कूल्स लड़कों के लिए होते हैं जहां लड़कियां एडमिशन नहीं ले सकती, और ऐसे ही कुछ स्कूल्स लड़कियों के लिए होते हैं जहां लड़के एडमिशन नहीं ले सकते। दुनिया के ज्यादातर स्कूल्स में लंच ब्रेक 30 मिनट से 45 मिनट तक के होते हैं, लेकिन ब्राजील में घर वालों के साथ खाना खाना उनके कल्चर की परंपरा है, और इसीलिए ब्राजील में स्कूल सुबह 7 बजे ही स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि लंच के टाइम तक वो पढ़ाई खत्म करके अपने घर जा सकें और घर वालों के साथ लंच का मजा ले सकें। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कूल्स हमारे धरती पे होने वाले एनवायरमेंटल क्राइसिस को हैंडल करने में भी हेल्प करते हैं, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस में एक ऐसा स्कूल है जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोटल्स में सीमेंट भर के बनाया गया है। स्कूल बनाने के लिए लगभग 9,000 बोटल्स को इकट्ठा किया गया ताकि वहां पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादातर स्कूल्स किस तरह की जमीन पर बनाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि एक नॉर्मल सी जगह पर जो कि आम लोगों के लिए पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश एक अकेला ऐसा देश है जहां बोट स्कूल्स हैं। जी हां, बांग्लादेश में कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो पानी में चलती हुई बोट में चलाए जा रहे हैं, और उन स्कूल्स में टॉयलेट, लाइब्रेरी और इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। और दुनिया का ऐसा स्कूल जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, वो तिब्बत में मौजूद है। तिब्बत में ये स्कूल समुद्र लेवल से 5,373 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। एक सर्वे से पता लगाया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा होमवर्क करने वाले स्टूडेंट्स चाइना के हैं। दुनिया में चाइना अकेला ऐसा देश है जहां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होमवर्क दिया जाता है।
चाइना में स्टूडेंट्स को वीक में 14 घंटों का होमवर्क दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली क्लास लगभग 2 दिन से भी ज्यादा की है। ऑस्ट्रेलिया में बायोलॉजी के प्रोफेसर मैरी अपनी क्लास लगातार 53 घंटे तक चला चुके हैं।